हीरो की नगरी पन्ना में मां पद्मावती करती हैं भक्तों की मुराद पूरी। जानिए क्यों भगवान शिव यहां हुए थे क्रोधित। खबरों के प्रायोजक है संस्कार वैली पब्लिक स्कूल पन्ना। पन्ना जिले के प्राचीन पद्मावती देवी मंदिर में नवरात्रि में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी माता के दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि जब मां सती के शरीर के टुकड़े हुए थे तो उनका दाहिना पैर पन्ना में गिरा था, इस कारण इस स्थान पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ था। हीरो की नगरी पन्ना में प्राचीन मंदिर शक्तिपीठ मां पद्मावती देवी का स्थान है। बुंदेलखंड के लोग पन्ना की पद्मावती देवी को बड़ी देवीन के नाम से जानते हैं और इनका स्थान मैयर की शारदा माता के समान है। इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालु की मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर को लेकर तरह तरह की मान्यताएं प्रचलित है। कहा जाता है कि मां पद्मावती शक्तिपीठ की कृपा से ही पन्ना इतना समृद्ध है। शक्तिपीठ को लेकर मानता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में पद्मावती नाम के राजा हुए थे जो शक्ति के उपासक थे। उन्होंने अपनी आराध्य देवी मां दुर्गा को पद्मावती नाम से इस प्राचीन मंदिर में स्थापित किया था। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम इसी मंदिर के कारण पद्मावतीपुरी हुआ, जो बाद में पन्ना और वर्तमान में पन्ना के नाम से पहचाना जाता है। पद्मावती देवी का उल्लेख भविष्य पुराण और विष्णु धर्मोत्तव पुराण में भी है। ये मंदिर गौड़ नरेशों का आराध्य स्थल भी माना जाता था। माँ सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। वह राजा दक्ष की बेटी थी जिसने भगवान शिव को अपनी पुत्री से शादी करने के लिए मना कर दिया था। उनके इनकार के बाद भी माँ सती ने भगवान शिव से शादी की। एक दिन दक्ष राजा ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी ऋषियों और देवताओं को बुलाया लेकिन भगवान शिव को नहीं आमंत्रित नहीं किया क्योंकि वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। माँ सती ये अपमान नहीं सहन कर पाईं। जब वे पिता के इसका उत्तर जानने यज्ञ स्थल पहुंची तो पिता ने उनका अपमान किया, भगवान शिव को भला बुरा कहा, जिसके बाद माँ सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो क्रोधित शिव ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष को मार डाला। इसके बाद भगवान शिव माँ सती को अपने कंधे पर बैठाकर संपूर्ण भूमंडल पर विचरण करने लगे। भूमंडल को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने पीछे से अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्थान पर माँ भगवती के शरीर के टुकड़े गिरे उन स्थानों पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ। पन्ना में माँ का दाहिना पैर गिरा था, इस कारण इस शक्तिपीठ का नाम पद्मावती शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है।